Hello students, I am Chandrasekhar Bhardwaj, PGT English. Today we are going to learn about the tenses. So, before telling you about those tenses, I would like to tell you some of the very important things. That's about the subject and subject, verb, object. So first of all, concern, एक चीज़ जो सबसे पहले सबसे ज़रूरी है वो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि subject क्या है, verb क्या है और object क्या है. What is subject, what is verb and what is object? Which denotes an action, जो कोई काम करे वो subject है, कोई भी जो काम कर रहा है. या और second है verb, यानी कि जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जिसमें कोई भी काम हो रहा है. And third is object, जिस पर काम हो रहा है वो object होता है. जैसे एक example ले लेते हैं. For example, I wrote a sentence, I play football. एक सेंटेंस ये लिखा है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ. अब सिंपल सी बात है, इसमें काम कौन कर रहा है? आई. सो दिस इज सब्जेक्ट. और काम क्या किया जा रहा है? खेला जा रहा है, तो ये वर्ब हो गया. और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. क्योंकि काम किस पर हो रहा है? फुटबॉल के ऊपर हो रहा है. सो दैट दिस इज ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, तो इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस हमने लिखा तो सबसे पहले हमने यूज किया सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का. ठीक है, तो यानी कि मेथड जो निकल करके आया वो मेथड निकल करके आया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल, क्वाइट इजी. ठीक है, अब इसी सेंटेंस को सपोज कीजिए कि मैंने अगर हिंदी में लिखा तो मैं लिखता हूँ मैं फुटबॉल खेलता हूँ. ठीक है, ये सेंटेंस लिखा है मैं फुटबॉल खेलता हूँ. इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है. यानी कि हिंदी के सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब. और इंग्लिश के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. अब डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? आप सिंपल से ऐसे समझ लीजिए, हिंदी के सेंटेंस में जो सबसे पहले आए वो सब्जेक्ट, जो सबसे पीछे आए वो वर्ब, और बीच में हमेशा ऑब्जेक्ट होता है. मेथड हमें यूज करना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और वर्ब हमें यूज करनी है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अगर हमें समझना है तो हम सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हुआ है या जो सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, और ये बाकी जो पीछे आएगा, बाद में आएगा, वो प्रेडिकेट होगा. तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है सब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, दैट इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. This is clear to you? Quite simple and easy. Now come to the next point. हम tenses के बारे में बात कर रहे हैं, subject, verb and object के बारे में मैंने अभी आपको बताया. अब इसके बाद हम अगर tenses की बात करें तो सबसे पहला जो tense होता है वो आपको पता ही है, तीन भागों में divide होते हैं, present, past and future. सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस आते हैं, फिर नेगेटिव आते हैं, और फिर इंटरोगेटिव आते हैं, और इसके बाद फिर हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात कर लेते हैं. ठीक है, सिंपल. तो सबसे पहले अभी इन सब पर ना जा करके हम जाएंगे सिर्फ इसके ऊपर, सिंपल सेंटेंस के ऊपर. तो जब भी हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये मेथड है सिंपल. ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और लगाना है. क्वेश्चन ये आ रहा है कि कहाँ एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगानी है, और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस यूज करना है. तो सिंपल तरीका देखिए, जैसे एक सेंटेंस मैंने बनाया था, अब जब भी हम सब्जेक्ट की डिविजन दो भागों में कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट आई, वी, यू और दे, और इसके अलावा सेकंड पार्ट में हम ले लेते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर. ये दो डिवीजन हो, ये जो डिवीजन है ये सिंगुलर की डिवीजन है, यानी कि ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब के साथ हमें यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके साथ हमें यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस, ये दो चीजें और इसमें इंक्लूड होती है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है. ठीक है, अगर आपकी वर्ब और उसके एंड में आपका आ जाता है एस एच सी एच डबल एस